वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज एक काफ़ी अच्छी भर्ती आई है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज की भर्ती जो है वो हाई कोर्ट में आई हुई है, जिसमें पोस्ट जो होगी 8921 पोस्ट रखी गई है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ एक बार लाइक तो जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जो आपको समय से मिलते रहें। पोस्ट नेम के बारे में आपको बताऊँ तो पहली पोस्ट स्टेनोग्राफर की होगी, जिसमें 1013 पोस्ट होगी, और दूसरी पोस्ट जूनियर क्लर्क की होगी, जिसमें 4738 पोस्ट होगी, और तीसरी जो होगी वो प्योन की पोस्ट होगी, इसमें 3170 पोस्ट रखी गई है। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर के लिए आपके जो क्वालिफिकेशन है वो SSC पास होना चाहिए, प्लस स्टैंडर्ड स्पीड 100 वर्ड परमिट इन इंग्लिश में होनी चाहिए, या फिर 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्लस स्टैंडर्ड स्पीड आपकी 80 वर्ड इन मराठी, प्लस कंप्यूटर नॉलेज इन मराठी। और जूनियर क्लर्क के लिए मस्ट बी SSC पास व प्लस 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, प्लस 40 वर्ड टाइपिंग स्पीड मराठी में, और प्लस कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पियोन के लिए जो आपके पास 7वीं क्लास पास होना चाहिए विद किसी गुड फिजिकली, यानी कि आपका फिजिकल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। स्केल पे की बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए 9338 का ग्रेड पे होगा, जिसमें आपकी सैलरी 34,800 रुपये रखी गई है, और 4700 का आपके पास ग्रेड पे होगा। जूनियर क्लर्क के लिए 5200 से 20,200 का 1900 ग्रेड पे होगा, और पियोन के लिए 1300 ग्रेड पे रखा गया है। जॉब लोकेशन आपका मुंबई होगा। एज आपकी जनरल के लिए 18 से 38 ईयर्स के बीच होगी, SST OBC के लिए 18 से 43 वर्ष होगी। एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो ऑनलाइन मोड आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म स्टार्टिंग डेट जो होगी 28 से शुरू होगी, लास्ट डेट आपकी 10 होगी। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हो तो जनरल OBC अदर स्टेट किसी के लिए भी फीस फ्री होगी, SC ST PW के लिए भी फ्री होगी। अप्लाई करने के लिए केवल महाराष्ट्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक बार लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।